मुझे खुशी है कि आज पार्टी की ओर से आपको ब्रीफिंग करने का मौका मिला है। आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इशू चल रहा है कोल का, लगभग रोज ही डिस्कस हुआ है और लगभग रोजाना हर इश्यूज पर हमने अपने कमेंट्स भी दिए हैं। दो तीन इश्यूज हैं जिनके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे, आपको अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, और उसके बाद आप लोग चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर वन इशू तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सारे कोल ब्लॉक्स को डी एलोकेट करने की डिमांड कर रही है, बगैर स्क्रीनिंग कमेटी के, डिस्कशन के, बगैर आईएमजी के डिसीजन के, सारे कोल ब्लॉक्स को डी एलोकेट करने की मांग करना कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि चूंकि ज़्यादातर कोल ब्लॉक्स इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स के रिकमेंडेशंस पर ही दिए गए थे, ये चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स का गेम भी पूरा हो जाए, और चूंकि बगैर डिस्कशन के, बगैर एग्जामिनेशन के, बगैर आईएमजी के डिसीजन के कोल ब्लॉक्स अगर डी एलोकेट हो जाते हैं तो उन सब डी एलोकेटीज को आसानी होगी कोर्ट में जाकर स्टे लेने की और कोर्ट से रिलीफ पाने की। ये स्ट्रेटजी लगती है कि बीजेपी ने बनाई है। कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन, कोई भी एलोकेशन बगैर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के डिस्कशन के, बगैर केस टू केस एग्जामिनेशन के अगर डी एलोकेट किए जाते हैं, चेंज किया जाता है, तो बड़ा आसान होता है उन पार्टीज के लिए कि वो आसानी के साथ कोर्ट से रिलीफ ले लें। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है, वरना तनिक सी भी गंभीरता से सोचने वाला व्यक्ति इस तरीके की मांग नहीं कर सकता है कि इसको आप पूरी तरह डी एलोकेट कर दीजिए। डी एलोकेट की मांग करना बड़ा आसान है, डी एलोकेशन करना बड़ा आसान है, लेकिन डी एलोकेशन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आसान नहीं है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि एक एक कोल ब्लॉक का हम अच्छी तरीके से उसको स्टडी करें, आईएमजी उसको अच्छी तरीके से स्टडी करे कि उन पार्टियों की क्या परफॉर्मेंस है, कितना माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है और कितना माइलस्टोन अचीव करने के लिए दिया गया था, उस बेसिस पर अगर डी एलोकेशन जरूरी हो तो डी एलोकेशन किया जाए, अगर बैंक गारंटी जब्त करना जरूरी हो तो बैंक गारंटी जब्त की जाए, और अगर नोटिस देना या एडवाइजरी जारी करना जरूरी हो तो एडवाइजरी जारी की जाए, जो कुछ भी हो ये इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप को ही डिसाइड करना है। नंबर एक। नंबर दो, ऐसी कंपनीज के खिलाफ
जो शिकायतें मिली थीं, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। आपने आज अखबारों में भी लिखा है कि 5 कंपनीज के खिलाफ रेड की गई हैं, जो इस बात का संकेत है। और मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि ये रेड्स आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि अक्सर जो उनको सूट नहीं करता है तब वो सीबीआई को एलर्ज कर देती हैं, और जो चीज़ सूट करती है उसमें सीबीआई की प्रशंसा करती हैं। तो उनसे तो ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो रेड्स हो रही हैं आपको कैसा लग रहा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब दोनों लेवल पर जांचें हो रही हैं, अगर किसी कंपनी ने गलत स्टेटमेंट दिया और उसका वेरिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने किया है, तो वो स्टेट ऑफिशियल्स फंसेंगे, वो कंपनियां फंसेंगी। और अगर किसी कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं दी है, माइलस्टोन अचीव नहीं किए हैं, तो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप इसीलिए बैठा है कि उनकी जांच करके उनके कोल ब्लॉक्स को या तो डीएलोकेट किया जाए या उनकी बैंक गारंटी जब्त की जाए। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये आईएमजी का अनाउंसमेंट हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने जब बजट पेश किया था तब ये अनाउंसमेंट किया था। अप्रैल में हमारे पास उसका ऑर्डर्स आए थे कि आईएमजी का गठन होना चाहिए, मई में आईएमजी का गठन किया गया और 2 महीने आईएमजी को इस बात में लगे कि क्या गाइडलाइंस बनाई जाएं जिसके आधार पर ऐसे एलोकेटीज के खिलाफ कार्रवाई हो सके। एक पॉइंट तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरा पॉइंट हमारा है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतनी बड़ी झूठ बोल सकता है। आपने भी टीवी पर देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, नेता विपक्ष ने ये बात कही थी कि हमारे रिजीम में जो 32 कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए वो प्राइवेट कंपनियों को नहीं दिए गए थे। मैं सही कह रहा हूं ना? आपने भी देखा होगा, सुना होगा, 16 कोल ब्लॉक्स उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को दिए थे और 16 कोल ब्लॉक्स गवर्नमेंट कंपनीज को दिए थे। तो झूठ और अफवाहों पर जिस पार्टी का कारोबार चलता हो, वो पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए किस स्तर तक जा सकती है, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझको यह शंका होती है कि शायद इसके पीछे स्ट्रेटजी इनकी यह है कि पॉलिटिक्स भी चमकाई जाए और सारे एलोकेटीज को आसानी के साथ कोर्ट से राहत भी दिला दी जाए। ये 2 बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब आप चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का काम है, वो उस पर स्टडी कर रही है, कितने कोल ब्लॉक्स में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, कितने में नहीं स्टार्ट हुआ है, ये देखने की जिम्मेदारी उस ग्रुप की है। जितनों में स्टार्ट नहीं हुआ होगा और टाइम एक्सपायर कर रहा होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि केवल डी एलोकेशन ही नहीं होगा, उसके अलावा अगर कोई कड़ी कार्रवाई हो सकेगी तो वो भी होगी। देखने की बात यह है, क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद क्या था? गवर्नमेंट का एम ये था कि जल्दी से जल्दी कोयला हमारे देश में पैदा हो, कोल की शॉर्टेज पूरी हो और जो पार के लिए, स्टील के लिए, सीमेंट के लिए कोल की रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर सकें।
हमारे देश में 200 साल की कोल प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी अगर हमें कोल इंपोर्ट करना पड़े तो इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट और कुछ नहीं हो सकता है। मैं कोई कमेंट्स कैसे कर सकता हूं जब सारे केसेस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के पास है? तो मैं आपसे नंबर पे कमेंट्स करना शुरू कर दूं कि इतने में स्टार्ट हुआ है, इतने में नहीं स्टार्ट हुआ है, ये देखना आईएमजी का काम है। 1993 से लेकर 2009 तक कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए हैं, उनमें से 58 कंपनीज को नोटिसेस इशू की गई थी, उनके रिप्लाई आ गए हैं, उन्हीं पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप विचार कर रहा है। क्वेश्चन कुछ और है, उन कंपनियों को भी मॉनिटरिंग पर रखा गया है, और आप निश्चिंत रहें केवल ये 58 ही नहीं, और भी अगर कोई कंपनी इस तरह की आएगी तो उसको भी आईएमजी के पास भेजा जाएगा और आईएमजी से डिसीजन मांगा जाएगा। बाकायदे संशोधन करने के बाद ये एलोकेशंस हुए हैं, अगर किसी को उस संशोधन में कोई एतराज है तो वो कोर्ट में जा सकता है। नंबर वन, आपका एक तो रिप्लाई ये हो गया। नंबर दो, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है इस बात की जांच करने के लिए कि वास्तव में इन कोल ब्लॉक्स का क्या स्टेटस है, कितनी कोल ब्लॉक होल्डर्स ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, कितने कोल ब्लॉक होल्डर ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की है, माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, क्योंकि माइलस्टोन्स के लिए भी टाइम दिया गया था, इतने दिन के अंदर आपको ये माइलस्टोन अचीव करना है, अगर उन्होंने नहीं अचीव किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारी कंपनियों के जिनको कि कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए थे उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 26 कोल ब्लॉक्स डी एलोकेट किए जा चुके हैं। आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। कई अब आईएमजी का काम कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैंने उनको टाइम बाउंड कर दिया है और कहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट हमारी फाइल हमारे टेबल पर लाकर रखें, तब तक इंतज़ार कर लीजिए, देर नहीं हुई है। आप अगर ये कहते हैं कि देर हुई है, इस रिकमेंडेटरी बॉडी का गठन मई महीने में किया गया है, फरवरी के एंड में बजट के समय प्रणव दादा ने इसको अनाउंस किया था, अप्रैल में हमारे पास वो मैसेज आया है और मई में इसका गठन किया गया है। तब से आप अगर ये समझते हो कि आज हमने गठन कर दिया 15 रोज में अपनी रिपोर्ट दे दें, तो कोई भी रिपोर्ट आधी अधूरी हो उससे कोई फायदा नहीं है। सारी रिपोर्ट जस्ट जस्ट एक मिनट इनका पूरा हम रिप्लाई देते हैं। तो आईएमजी को मैंने टाइम बाउंड किया है कि अब आप अपनी रिपोर्ट हमको जल्दी से जल्दी प्रेषित कर दें जिससे कि हम उस पर डिसीजन ले सकें। जो भी रिकमेंडेशंस हो उनकी, चाहे डीएलोकेशन की हो, चाहे बैंक गारंटी जब्त करने की हो, चाहे कोई और हो, वो स्टेटस को देखकर अपनी रिकमेंडेशंस हमको दें। हाँ सर, आपसे कहा कि 1993 से लेकर 2009 तक जितने एलोकेशन हुए थे उनमें से 26 कोल ब्लॉक्स डी एलोकेट किए जा चुके हैं। अब अगर आप मंथ और ईयर पूछना चाहें तो हम आपको एक घंटे में बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। कोल ब्लॉक्स वर अलॉटेड, इजंट इट कमिंग आउट नाउ विद द वे द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग? रेट सीबीआई ने किया है, मैं सीबीआई का ऑफिशियल प्रवक्ता तो नहीं हूं कि आपको मैं बता दूं, ये तो सीबीआई ही बता सकती। जो कुछ आपने छापा है, जो कुछ हमने टीवी पर देखा है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि 5 कोल ब्लॉक्स होल्डर के ऊपर सीबीआई ने रेट किया है, और सीबीआई का ये दायित्व था कि रेट करे, और हमें उम्मीद है कि और भी ऐसे होंगे जिनके खिलाफ सीबीआई एक्शन लेगी, रेट करेगी। Which are being reported, just we are receiving the reports now. Our General Secretary in charge of Tamil Nadu has seized up the matter, and that matter is being inquired into. As soon as we hear from the General Secretary, we will come back to you.
Yes, yes, yes. No, that is why with all the seriousness we have seized up the matter, we have taken up the matter. What happened there is most unfortunate. It should not happen also. And in India, we are, you know, the government is very firm that this kind of thing should not happen. But we have seized up this matter and the General Secretary is, you know, gathering information on that. So as soon as we formulate our opinion on that, we'll come back. कोयले की कालिख पे यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार फंस ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका नेतृत्व तो एक ऐसी शख्सियत के हाथ में है जिसने कभी किसी तरीके की गलती की ही नहीं है। वो एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट हैं। वो आकर प्रधानमंत्री पद पर केवल बैठे नहीं रहना चाहते थे, वो देश की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते थे, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज करना चाहते थे और देश की बेरोजगारी को दूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने महसूस किया कि जब तक कोल अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, जब तक पावर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जाएगी, जब तक स्टील और सीमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो सकता है। इस करके उन्होंने ये पॉलिसी बनाई जो कि हमारे देश के लिए 100% सही पॉलिसी थी, और इसीलिए उन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो मैकेनिज्म डेवलप किया जिससे अच्छा मैकेनिज्म कोई हो ही नहीं सकता था। कोल सेक्टरी जिस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता करता हो, सारी लाइन मिनिस्ट्रीज के सेक्टरी जिसके मेंबर्स हों, सारे कोल बेरिंग स्टेट्स के चीफ सेक्टरी जिसके मेंबर्स हों, क्या इससे इम्पोर्टेंट कोई स्क्रीनिंग कमेटी हो सकती थी? लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ कंपनियों ने फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं या कुछ ऑफिशियल्स ने गलत वेरिफिकेशन किए हैं तो उसकी जांच सीबीआई कर रही है, और अगर उन कंपनियों ने परफॉर्मेंस पुअर की है, माइलस्टोन्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उसकी जांच इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप कर रही है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी में इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कुछ नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि इससे बेहतर कोई पॉलिसी हो ही नहीं सकती। पॉलिसी नाकाम रही है। कैसे आप कह रहे हैं? हमारे देश में 200 साल की कोल प्रॉपर्टी मौजूद रहे और हमारे देश को विदेशों से कोल इंपोर्ट करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता था? पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे देश में केवल 20% की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। हमारी मजबूरी है, हम 80% बाहर से मंगाते हैं और सब्सिडी देते हैं, लेकिन हम अपने देश में कोल प्रॉपर्टी होते हुए कोल को इंपोर्ट करें? नहीं हुआ, ये अलग इशू है। आपने ये बिल्कुल सेपरेट इशू है। आपने जो पॉलिसी बनाई वो सही थी कि नहीं थी? 100% सही पॉलिसी थी। जिन लोगों ने कोल ब्लॉक्स लिए उन्होंने क्यों नहीं कोल का प्रोडक्शन शुरू किया? बहुत सारे कारण हैं। ये कोल ब्लॉक ऑपरेट करना कोई रेस्टोरेंट खोलना नहीं है। जिन एरियाज में ये कोल ब्लॉक्स हैं उनकी लैंड ऑर्डर की स्थिति आप देखें तो वहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। फिर फॉरेस्ट्री क्लियरेंस लेना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना, लैंड एक्विजिशन करना, ये सब बहुत बड़े काम हैं जो कि 4-4, 6-6 साल, 7-7 साल लग रहे हैं। हम कोल इंडिया को देख रहे हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि कोल इंडिया कोई कोल ब्लॉक 7 साल के पहले नहीं माइनिंग शुरू कर पाती है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी इजी कोल ब्लॉक्स थे वो कोल इंडिया को दिए गए, जितने डिफिकल्ट कोल ब्लॉक्स थे वो एलोकेट किए गए। तो जब इजी कोल ब्लॉक्स में 6-7 साल में माइनिंग कोल इंडिया शुरू करती है तो डिफिकल्ट कोल ब्लॉक्स में हम कैसे उम्मीद करें कि 7-6 साल के पहले माइनिंग शुरू हो जाएगी? इसलिए मैंने कहा कि ये बिल्कुल सेपरेट इशू है। दिया गया एज पर पॉलिसी, पॉलिसी 100% सही थी। अगर 100% सही पॉलिसी ना होती तो एनडीए ने 32 कोल ब्लॉक्स कैसे दिए होते? तमाम सरकारों ने जब ये सोचा कि हमारे देश में इतनी बड़ी कोल प्रॉपर्टी को होते हुए भी हमको कोल इंपोर्ट करना पड़े, ये अनफॉर्चुनेट है। कोल इंडिया इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें चाहिए कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सप्लोर करें।
इसीलिए ये पॉलिसी बनाई गई और इसीलिए इस पर सबने अमल किया, हमारी यूपीए 1 की सरकार ने भी अमल किया। हमने इसको और ज्यादा पारदर्शी बनाया। इसके पहले कोल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करके लोग आते थे और सरकार से उसका एलोकेशन लेकर चले जाते थे। हमने यूपीए 1 की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई कि कोई भी कोल ब्लॉक बगैर एडवर्टाइजमेंट के नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 की पॉलिसी ये बनाई कि कोई भी कोल ब्लॉक दिया जाएगा उसके लिए बैंक गारंटी ली जाएगी। इसके अलावा तीसरी हमारी पारदर्शिता की ओर कदम ये था कि हम चाहते थे कि सारे कोल ब्लॉक्स, चूंकि डिमांड बढ़ रही थी इसलिए हम चाहते थे कि इसको बिडिंग प्रोसेस से दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आप जानते हैं संघीय व्यवस्था है, सारे कोल बेरिंग स्टेट्स ने उसका जमकर विरोध किया, रिटर्न विरोध किया, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। हमारी लाचारी थी कि हम बिडिंग प्रोसेस नहीं शुरू कर पाए और आखिर में इस एक्सटेंट तक हमने उनको भरोसा दिलाया कि सारी की सारी रेवेन्यू जो कोल ब्लॉक से आएगी बिडिंग प्रोसेस से वो सब कुछ हम आपको दे देंगे, रॉयल्टी तो देंगे ही उसके अलावा वो भी दे देंगे। तब कहीं जाके वो स्टेट तैयार हुई थी। ये आप फिर दूसरा इशू उठा रहे हैं, सीबीआई क्या कर रही है, काय के लिए सीबीआई लगाई गई है, काय के लिए आईएमजी बनाया गया है, उनकी रिपोर्ट आ दीजिए। ऐसे लोग केवल ब्लॉक डीएलोकेट नहीं होंगे, जेल में होंगे। आई कैन गारंटी यू कि जो ऐसे लोग होंगे उनके ब्लॉक तो डीएलोकेट होंगे ही और बिहाइंड द बार होंगे। लेकिन जो डीएलोकेशन मास डीएलोकेशन की डिमांड बीजेपी कर रही है, इसके पीछे उसकी साजिश है कि मास डीएलोकेशन करा दिया जाए बगैर आईएमजी की सिफारिशों के, आसानी के साथ ये सब कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट से रिलीफ ले लें, हमारी पॉलिटिक्स भी चमक जाए, इनको रिलीफ भी मिल जाए, ये एलोकेटिव बने रहें। ये चलने वाला नहीं है। जो जांच सीबीआई कर रही है, सीबीआई को किसी ने यह इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा कि आप स्क्रीनिंग कमेटी के ऑफिशियल्स की जांच ना करें। उनको पूरी पावर है, पूरी अथॉरिटी के साथ जांच कर रही है, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी के ऑफिशियल्स हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, चाहे वो ब्लॉक होल्डर्स हों, सबकी जाँच कर रहे हैं और सबके खिलाफ सीबीआई जैसी रिपोर्ट देगी वैसी कार्रवाई होगी। जहाँ तक क्लोज होने की बात है, इस देश में लाखों लोग हमारे क्लोज हैं। जहाँ तक रिलेटिव की बात है, इस देश का एक एक जायसवाल हमारा रिलेटिव है। केवल जायसवाल के नाम पर ही तो एलएच करने की कोशिश की जा रही है। जब मेरे रिजीम में कोई कोल ब्लॉक एलोकेशन हुआ ही नहीं तो हमको एलएच करने की कोशिश क्यों की जा रही है। दूसरी बात और है कि सबसे पहला कोल ब्लॉक, क्योंकि मैंने ये जब टीवी में देखा तो मैंने मंगवाई थी फाइल, सबसे पहला कोल ब्लॉक उस कंपनी को एनडीए के रिजीम में दिया गया है। आपके जानकारी के लिए सूचना दे रहा हूं। आपका क्वेश्चन गलत है। सीएजी को हमने ये कहा था, जो एलेज हमने किया था सीएजी पर, वो ये किया था कि आप कंपैरिजन के आधार पर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। हमने ये एलेज किया, सुनिए पहले पूरी बात आप सुन लीजिए। हर एक माइन की अलग अलग अपनी जियो माइनिंग कंडीशंस होती हैं, हर एक माइंस की अलग अलग सीम्स होती हैं, हर एक माइंस में किसी में 100 मीटर पर कोल होता है, किसी में 500 मीटर पर कोल होता है। आपने कंपेयर कर लिया और एवरेज के आधार पर अगर कोई कंक्लूजन निकाल लिया, उससे हम पूरी तरह असहमत हैं और यही बात शुरू में भी कही गई थी, यही बात आज भी कही जा रही। जिस समय पॉलिसी बनाई गई थी उस समय कोल के रिक्वायरमेंट मान लीजिए, सपोज कीजिए 20% थी, और जिस समय ये डिमांड हुई कि
कि इसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। उस समय मान लीजिए कोल की रिक्वायरमेंट 80% थी, 1 और 4 का डिफरेंस था। बहुत सारे एलोकेटिस कोल ब्लॉक को एलोकेट कराना चाहते थे, इसलिए उसका ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका ये माना गया कि अगर हम बिडिंग प्रोसेस से एलोकेट करते हैं तो ये सबसे ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन उसके लिए राज्य सरकारें तैयार नहीं हुई, हमारी लाचारी थी कि हमने वही प्रोसेस जारी रखा। और राज्य सरकारों को तब तैयार किया जब हमने यहाँ तक ऑफर कर दिया कि सारी रेवेन्यू जो बिडिंग प्रोसेस से आएगी वो आपके पास दे आपको दी जाएगी। रॉयल्टी तो आपको दी ही जा रही है, उसके अलावा ये भी आपको दिया जाएगा। मैं आ गया था उस समय, इसलिए मुझे एक एक चीज़ याद है। माइन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, ये ऑफर किया, उसके बाद में ये डिसीजन हुआ। और उसके बाद में बीजेपी ने सीबीआई को क्लीन चिट तो दी। आज तक का रिकॉर्ड ये है कि जो डिसीजन सूट करता है उसमें वो सीबीआई को क्लीन चिट देते हैं, जो डिसीजन सूट नहीं करता है कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट की जेबी एजेंसी है। क्लीन चिट तो दे दी, हो गया कि कोयले की माइनिंग करना। कोयले की सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज से 5 साल पहले जब एलोकेशन शुरू हुए थे तब कोल की जितनी डिमांड थी आज की तारीख में उससे 4 गुना बढ़ गई है। ये कैसे आप कह रही हैं कि आप क्यों नहीं आपूर्ति कर पाए, आप यही तो कह रही हैं। अरे 5 साल बाद आप इससे दुगना प्रोडक्शन कर लेंगी, उसके बाद भी आप आपूर्ति पूरा नहीं कर पाएंगी। इतनी तेजी के साथ देश ग्रो कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।